देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ये धुन आपने अक्सर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सुनी होगी, पर शायद ये इस बार आपको सुनाई न दे। इस बार रायसीना हिल्स राष्ट्रगान से गूंजेगी, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन राष्ट्रगान वंदे मातरम से हो सकता है। ये धुन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन थी, जिसे दशकों से समापन समारोह में बजाया जाता आ रहा है, पर इस बार शायद ये ना हो। इस धुन को स्कॉटिश हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा था। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इस बार अबाइड विद मी की जगह वंदे मातरम बजेगा। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित विजय चौक पर मिलिट्री बैंड के कार्यक्रम के साथ होता है। इस दौरान थलसेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड सैन्य धुन बजाते हैं। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित देश विदेश के गणमान्य अतिथि मौजूद रहते हैं। इस बार इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS भी मौजूद रहेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह प्राचीन काल से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है, जब युद्ध के मैदान में सेनाएं दिन ढलने के बाद सैन्य धुन पर अपने बैरक में लौट जाती थी। इसलिए गणतंत्र दिवस के दौरान जब तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान जब 26 जनवरी के बाद बैरक में लेकर लौटेंगे, तो 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को दिन ढलने के समय बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। पिछले साल अलग अलग रेजिमेंट्स की 18 मिलिट्री बैंड, 15 पाइप और ड्रम बैंड ने हिस्सा लिया था। भारतीय संगीतकारों द्वारा 25 धुनें तैयार की गई थी, जिनमें इंडियन सोल्जर्स, हिराना हिरन, मुश्कोह वैली, तेजस, द ग्रेट मार्शल और नमस्ते इंडिया शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।